जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल में आतंकी हमला हुआ है। ग्रेनेड हमले के बाद आतंकियों ने ओपन फायर किया है, जिसमें सीआरपीएफ से 7 जवान समेत 30 लोगों के घायल होने की खबर है। इस हमले में एक महिला समेत 3 नागरिकों की भी मौत हो गई है। घायलों को त्राल के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हमला त्राल के बस स्टैंड के पास हुआ है। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के मंत्री नईम अख्तर को निशाना बनाया था, लेकिन वो बाल बाल बच गए हैं। तो त्राल में आतंकी हमला जिसमें 30 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर का ये इलाका है और आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला करने के बाद ओपन फायरिंग भी की है, यानी कि हथियारों से गोलियां चलाई हैं।